हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। और आज है संडे और आज सबके सब तैयार होके जा रहे हैं बाहर। अभी थोड़ी देर में आप सबको पता लग जाएगा किस लिए बाहर जा रहे हैं। और बहुत दिनों के बाद आज मैं एक और व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। और ये बैठा है हमारे डेजी मैक्स और वहाँ पे बैठा है बॉस को, यू नो, थ्री पेट्स, डेजी मैक्स। बॉस को सुनो, हाय बोलो। हाय। तो गाइस, गाड़ी पे भी कल बहुत तगड़ा काम करवा के लाया हूँ, अभी दिखाऊंगा आपको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूटी की डिलीवरी लेने। और अभी थोड़े दिन पहले ही, जस्ट लास्ट संडे, मैंने एक बाइक खरीदी है। मेरे पास थी हिमालयन, आप सबको पता ही है ऑलरेडी। मैंने हिमालयन को अब रिप्लेस कर दिया, मैंने कर दिया अपग्रेड। और जो मेरे पास मशीन है वो एक बीस्ट है, बीस्ट मैं दिखाता हूँ आपको। This is what I have. मैंने इससे अपग्रेड किया है 390 एडवेंचर। इसकी भी पूरी डिटेल्स मैं आपको दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है? इस वीडियो में नहीं दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें दूंगा। और अपनी गाड़ी देखो कैसी लग रही है गाइस, चमक रही है ना, बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है ना, नेक्स्ट लेवल। इसका पेंट जो है ना फुल रिस्टोर करवा दिया मैंने, कल ही गया था मैं, उसका फुल पेंट वर्क करवा के आया हूँ। थोड़ा इस पर रबिंग और पॉलिशिंग वगैरह सब करवा के आया हूँ, तो पेंट इसका रिस्टोर हो गया, बिल्कुल नया हो गया। डेजी पहुँच दे रही है, तू पहुँच दे रही है कि मुझे वीडियो में ले लो? मैं पहुँच दे रही हूँ। हैं सुंदर डेजी, पापा जाने के लिए रेडी हैं, एवरीवन इज रेडी, मम्मी, भाभी, भाई सब रेडी हो गए। तो अब जा रहे हैं हम स्कूटी की डिलीवरी लेने। स्कूटी बोले तो एक्टिवा, और कोई स्कूटी नहीं होती, स्कूटी बोले तो एक्टिवा ही लेने जा रहे हैं। अब वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कलर कौन सा लेना है, कलर अभी तक डिसाइडेड नहीं है, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तो गाइस, अपनी स्कूटी रेडी हो गई है, पापा की स्कूटी, बहुत दिनों के बाद फाइनली। पापा कह रहे थे स्कूटी लेने के लिए, अब फाइनली आई गई स्कूटी। उन्होंने बोला 9 से 10 एसेसरीज है, देखते भी पूछते हैं कौन सी 9 से 10 एसेसरीज लगाई हैं उन्होंने। और मुझे तो बस यही लग रहे हैं, गार्ड और ये पायदान, और तो एसेसरी कोई दिख नहीं रही, बट बाकी बहुत शानदार लग रही स्कूटी। नई स्कूटी चमकती तो है ही, बढ़िया। 7 किलोमीटर चली हुई है भाई, 7 किलोमीटर पैसे कटेंगे। तो भाई बहुत सही लग रही है स्कूटी, बैटरी भी अच्छी फीलिंग आ रही है और बहुत स्मूथ चलती है जहाँ तक मेरे को पता है। मैंने एक्टिवा चलाई है ना दोस्त लोगों की, बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है। तो अब देखते हैं, सफ़ेद ना लेके हमने मैट ग्रे लिया है, क्योंकि पापा कह रहे कि सफ़ेद थोड़ा पीला सा पड़ जाता है और ये तो पीला नहीं पड़ता इतनी जल्दी, तो फिर ये वाला ही परचेज कर लेते हैं। तो देखते हैं, लो चाबी लगाओ पापा। इतनी बड़ी चाबी है इसकी, ये जेब में भी नहीं आएगी। जेब में कैसे आएगी चाबी? इसके लिए अलग से बैग लेना पड़ेगा। पहले थी जुपिटर, पहले जुपिटर थी, अब हमने होंडा ली है एक्टिवा। चलो इसको चला के देखते हैं, मैं ही चला के ले जाऊंगा। आराम से जाओ तुम लोग, पापा और भाई जा रहे हैं स्कूटी पे, हम आ रहे हैं गाड़ी से, नई स्कूटी का ड्राइव लेंगे वो लोग। चलो पहुंचो, और ये अपनी गाड़ी गाड़ी, मैं और मम्मी जा रहे हैं गाड़ी से। चलो मम्मी जल्दी आओ। आगे बैठ जाओ, अब तो दो ही लोग हैं, आगे बैठ जाओ भाई। नई चीज की फीलिंग अलग ही होती है, कोई भी ले लो, और सेकेंड हैंड की फीलिंग अलग होती है। तो नई चीज में हमेशा भाई सॉफ्टनेस होती है, बिल्कुल स्मूथ एकदम। और 7 किलोमीटर चली थी बस, बिल्कुल ब्रांड न्यू स्कूटी, मज़ा आ गया। अब इसको चलाएंगे नॉर्मली, मैं अपनी बाइक चला रहा था ना नॉर्मली, शाम को आसपास जाने में अपनी बाइक चला रहा था, अब स्कूटी चलाएंगे, क्योंकि सिटी वगैरह में चलाने के लिए तो स्कूटी सबसे बेस्ट रहती है ना। अब भाई एकदम से लेन कैसे चेंज कर रहा भाई, तू पागल हो गया क्या? देख नहीं रहा पीछे से आ रहा लौंड हीरो। इस पहले ही नवरात्र पे स्कूटी ले ली एकदम शुभ, और बैठी मम्मी तैयार हो गए, मम्मी मिली वॉच, उनके से उनका एक ऑफर था
कि स्कूटी के साथ वॉच फ्री मिलेगी, वो वाली स्मार्ट वॉच फ्री मिलेगी। तो मम्मी कह, मम्मी ने पट रख ली स्मार्ट वॉच की, मैं पहनूंगी स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच पहन के स्मार्ट बन जाऊंगी। गाइस ये पापा और भाई न्यू स्कूटी पे, ये औरतों के काम खत्म नहीं होते भाई। मम्मी गई हुई अंदर यहाँ सूट की दुकान पे, यहाँ पे सूट वूट का उनको कुछ काम था, सूट वूट सिलवाना था उनको, तो नाप देने के लिए गई हुई हैं। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ वेट। हमेशा यही होता है भाई, मम्मी के साथ जब भी आओ खड़े रहो, बाहर वेट करते रहो, मम्मी का काम होता रहेगा, मम्मी आराम आराम से अंदर बैठ के अपने काम करती रहेंगी और हम यहाँ बैठे हुए वेट करते रहेंगे। जो अभी मैंने सुबह आपको अपनी एडवेंचर 390 दिखाई थी, सबसे तगड़ा अपग्रेड है मेरा ये अभी तक का। मैंने कोई भी मतलब इतनी तगड़ी इतनी पावर वाली बाइक अभी तक ली नहीं है, और एडवेंचर 390 बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक है और बहुत ज़्यादा फीचर है उसमें, तो उसका भी डिटेल रिव्यू आएगा, उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। अभी तक मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो एनीवेज वेट करते हैं, और अभी उसकी वीडियो भी पेंडिंग है, वो भी बनाएंगे। तो चलो चलते हैं घर की तरफ। मम्मी बस 5 मिनट में आ जाएंगी, 5 मिनट बाद हम निकल लेंगे घर के लिए। चल 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 तो गाइस अब मैं निकला हूँ नई स्कूटी की टेस्ट ड्राइव लेने। टैंक फुल करा दिया है, अब थोड़ा सा एक चक्कर वहाँ आते हैं गोल, और फिर उसके बाद घर पे खड़ी कर देंगे। अभी थोड़ी सी दूर चला के आते हैं इसको, मज़ा सा आ रहा है। नई स्कूटी है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट चल रही, बहुत ज़्यादा स्मूथ सी चल रही है। एक राउंड मार के आते हैं मस्त सा। अभी कितनी चली, 7 किलोमीटर। मुझे डाउट रहता था इसका मीटर चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन सही परफेक्टली चल रहा है। तो गाइस अभी बात बज रहे हैं रात के 10, और मेरी इतनी गंदी आदत हो गई है ना ब्लॉग ना करने की, मेरी ब्लॉग करने की आदत बिल्कुल छूट चुकी है बिल्कुल। आज मेरे पास इतना सारा कंटेंट था दिखाने के लिए, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं भूल गया था शूट करना, क्योंकि मैं भूल गया था शूट करना। एक और फ्रेंड आया था जिसने नई बाइक खरीदी है, तो वो आया था मिलने मेरे से, वो अपनी बाइक दिखाने आया था, तो उसकी बाइक देखी भाई, बढ़िया चल रही थी बाइक, क्योंकि नई बाइक थी ऑब्वियसली बढ़िया ही चलेगी। तो मज़ा आया उसकी बाइक भी चला के, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ थी। यामा की MT15 जो यामा की तरफ से आती है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बाइक है ये, समझ लो आप एक तरह से R15 का नेकेड वर्जन है वो। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी वो बाइक मेरे को, काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और सबसे अच्छी बात है उसकी, उसका माइलेज है बहुत ज़्यादा, जो कि 40-50 के आसपास का माइलेज देती है वो हाईवे पे, तो वो उसका बहुत अच्छी बात है। और सबसे बुरी आदत जो मेरी ये है ना, व्लॉग ना करने की, शूट ना करने की, इतना सारा कंटेंट होता है मेरे पास लेकिन मैं शूट नहीं कर पाता, तो ये आदत मेरे को सुधारनी पड़ेगी। अब ये आदत मैं सुधारूंगा अपनी। और भाई शाम को अभी हमने बाइक वाइक चलाई हाईवे पे, बड़ा मज़ा आया भाई, बड़ा मज़ा आया। एडवेंचर 390 अब मैंने जो ली है उसकी वीडियो भी आएगी, थोड़े टाइम बाद आएगी, लेकिन अभी जब मैं उसको चला रहा हूँ ना भाई, क्या फीलिंग आ रही है, कितनी पावर है। मैं पहले सोचता था मन में कि भाई क्या भागती होगी, 390 में तो बहुत रॉ पावर है, और सीरियसली भाई बहुत पावर है उसमें, बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अगर आप कंट्रोल वे में नहीं चलाओगे तो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, बहुत ज़्यादा पावर है उसमें। तो वही है कि 90-100 तो उसके लिए पता नहीं चलता, 5 सेकंड में तो स्टॉप हो जाती है। तो एनीवेज ये सब बातें तो होती रहेंगी, जैसे जैसे आगे मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा, बाइकें दिखाऊंगा, तो यही सब बातें होती रहेंगी। तो अभी सोने का टाइम आ गया, 10 बज रहे हैं, सुबह अपने जाना ऑफिस क्यों है, क्योंकि कल है मंडे टू फ्राइडे में रहूँगा बुक्ड एज ऑलवेज। अगर आप लोगों को सपोर्ट दिखा दे बढ़िया, तो मैं आपको पूरा इंडिया घुमाता तरीके से, सोलो राइड करके, चाहे कोई साथ जाता नहीं जाता, मैं सोलो राइड करके आपको पूरे इंडिया घुमाता। लेकिन एनीवेज कोई नहीं, वो भी करेंगे, शुरुआत करेंगे उस चीज़ की भी। और तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल करें, सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही बने अपनी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड